दोस्तों ये है एपिसोड 1 ऑफ हाउ टू एडिट योर फोटोज लाइक अ प्रो। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है आफ्टर फोकस। इसको इंस्टॉल करके ओपन करना है, अपने फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो इसमें क्लिक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप इसमें अपने बैकग्राउंड फोरग्राउंड और अपने ऑब्जेक्ट को फोकस में रख के बैकग्राउंड फोरग्राउंड ब्लर कर सकते हैं लाइक अ DSLR। ये इतना परफेक्टली नहीं होगा पर होएगा। आपको यहाँ पे पेंसिल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इसको अपने मन में जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल एडिटिंग मिल जाती है। मैनुअल एडिटिंग में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप ब्लर सेट कर सकते हैं, अपर्चर, फेडिंग मिक और अपना इफेक्ट्स और फिल्टर्स मिल जाते हैं। ब्लर में आप अपना ब्लर सेट कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं और जूम कर सकते हैं, लेंस भी कर सकते हैं। आप इसमें अच्छे से अपना ब्लर सेट कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रोके इफेक्ट डाल सकते हैं, अगर आपके फ़ोटो में लाइटिंग अच्छी है तो आप इसमें ब्रोके इफेक्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे इस फोटो में कुछ लाइटिंग है तो मैं ब्रोके इफेक्ट नहीं डालूंगा। मिडल वाले ऑप्शन प्रो एडिटिंग मिल जाती है जो कि मेरे बस में नहीं है। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको कुछ शेपिंग टाइप नॉन मैनुअल एडिटिंग मिल जाती है। कलर मास्क आप इसमें सेट कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। फिल्टर्स में आपको हर एप्लीकेशन एडिटिंग एप्लीकेशन में फ़िल्टर्स मिलते ही है। इसमें आपको कुछ न्यू फिल्टर्स मिलते हैं जिसमें आप अपना कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। फ़िल्टर में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अलग अलग फ़िल्टर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसे ऑल इन वन टूल किट कह सकते हैं। दोस्तों ये थी रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और एम करते हैं 100 लाइक्स का। मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, मैंने 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है, मिलता हूँ आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना।